सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा इंटरलॉक यानी कि ओवरलॉक की मशीन के धागे डालने का तरीका, क्योंकि उसके अंदर 3 धागे होते हैं, तो उसे किस तरीके से आप डालेंगे और साथ ही उसमें ऑयल कहाँ कहाँ डाला जाता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारी ओवरलॉक की मशीन और इस मशीन को मैं पाँव से, मतलब पायदान से मदद से चलाता हूँ। इसमें मोटर नहीं है, क्योंकि पाँव से ये बहुत बढ़िया चलती है। इसमें मोटर भी आप लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारी मोटर लगी थी, ठीक है, इस जगह पे हमने मोटर हटा दी है और हम इसे पाँव से यूज़ करते हैं, क्योंकि पाँव से आदत बनी रहती है और एक्टिविटी भी रहती है। तो दोस्तों, इससे मतलब आदत ख़राब नहीं होती। मान लो कभी बिजली चली जाए तो हम इससे कर सकते हैं ओवरलॉक पाँव से, इसलिए हम पाँव से करते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसमें देखिए 3 धागे हैं, ठीक है, ये इसका स्टैंड होता है ओवरलॉक का, और इसको इस तरीके से रख के बिल्कुल आप अच्छी तरह टाइट कर लें। तो ये देखिए 3 चीज़ें हैं। तो इससे आप किस तरीके से धागा डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए ओवरलॉक है। अब ये ओवरलॉक आपकी पूरी इस टाइम पे यूज़ करते करते काफ़ी गंदी होगी, और इसे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गंद जमा है। तो आप इसे किस तरीके से साफ़ करेंगे, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस जगह पर एक ब्लेड होता है ओवरलॉक के अंदर, तो हम वो ब्लेड हटा देते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई लोग ओवरलॉक करते हैं तो ब्लेड कपड़े को काटता हुआ फिनिशिंग से ओवरलॉक करता है, लेकिन हमारी आदत हो चुकी है, हम वैसे ही फिनिशिंग से कर लेते हैं। तो ब्लेड हटा देते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर आपका कपड़ा गलती से आ जाता है, ठीक है, जैसे बिगनर लोग सीखने जाते हैं और उनसे अगर कपड़ा बिल्कुल जरा सा भी आ गया तो वो फ़ौरन कपड़े को कटिंग कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, हम ब्लेड को हटा देते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप ब्लेड हटाएंगे या नहीं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले अपनी मशीन को साफ़ करेंगे। तो कोई कॉटन का कपड़ा लेके, ये देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, इसे इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरीके से पूरी मशीन को साफ़ करेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने साफ़ कर लिया हो कई जगह पे, अभी इसका मतलब ये कपड़ा भी और हाथ भी नहीं जा रहा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे मेन दोस्तों, ओवरलॉक के साथ आपको ये चिमटी होती है, ये ज़रूर ख़रीदनी है, ठीक है। ये चिमटी से क्या होता है, इसी से धागा डाल पाओगे आप और इसी से सफाई कर सकते हो मशीन की। अब जैसे मान लो ये जगह पे हमारा नहीं जा रहा कुछ भी हाथ, तो इधर पे आप चिमटी की मदद से गंद ले सकते हो और कपड़े को इस तरीके से करीब इसे महीने में एक बार अच्छी तरह साफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हफ्ते में हल्का हल्का कपड़ा लगा लें और महीने में एक बार पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर लें। तो देखिए, ये डालने के बाद आप इसे इस तरीके से कपड़े की मदद से इसे ऐसे साफ़ कर लेंगे। तो ये हो गया, और जहाँ जहाँ गंद है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से जो रुए बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए ये रुए बन जाते हैं, तो ये धागे के रुए होते हैं जो हम तेल डालते हैं, ऑयल डालने के बाद ये इस तरीके से बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पूरी मशीन को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें धागे डाले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मशीन साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने पहले हल्के हल्के धूल मिट्टी जो थी वो साफ़ करी थी, और उसके बाद दोस्तों आप ये देखिए, ये कुछ धागे फंस जाते हैं, ठीक है, ये धागे और ये जो भी है ये रुआ, ये सब हमें साफ़ करना होता है। ये क्या होता है, मशीन की जो घूमने वाली जगह होती है उस पर हल्के हल्के लिपट के और ये बिल्कुल हैवी कर देते हैं, मशीन फिर जाम सी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, मैंने पूरी अच्छी तरह मशीन साफ़ कर ली है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब दोस्तों, हटाने के बाद सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इधर का धागा डाल के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, हमारा ये धागा है, इस धागे को हम पहले इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें करने का दोस्तों, इस धागे को इसके अंदर देखिए कैंची की मदद से पहले ऐसे काट लें, और ये ऐसे आएगा। उसके बाद दोस्तों, ये वाला हिस्सा है आपका, इसमें इस तरीके से आएगा। इसके बाद दोस्तों, आप इसको धागे को ऐसे करेंगे, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये धागे को इसमें, ये देखिए पास से इसमें डालना है। ये डालने के बाद ये आपका इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों, ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये धागे को इधर देखेंगे आप, दो हैं, पहले आप इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से में ऐसे निकालेंगे, फिर आप इसको ऐसे निकालेंगे। ये निकालने के बाद नीचे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डालने के बाद इसमें डालना है आपको, फिर इसमें डालना है।
तो ये डालने के बाद आप क्या करेंगे, हम ये देखिए इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसमें हम धागा डालेंगे। तो उसके लिए देखिए हम पहले धागे को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसे डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका धागा डल चुका है, लेकिन इसे आपको दूसरी तरफ से लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे, आपने इधर से डाला है लेकिन आपको दूसरी तरफ से लेके आना है। तो ये देखिए आप इसे ऐसे करके इस तरीके से बांध लें, एक दो, ये बंध गया। इसको फिर आप ऐसे पकड़ेंगे और गांठ को इस तरीके से कटिंग करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका धागा उधर से आ जाएगा। ये करने के बाद फिर आपको ऊपर वाली तरफ में धागा डालना है। तो आप इसे हल्का सा कट करें, कट करने का दोस्तों आप इसे इसमें डालेंगे। दोस्तों कैंची से कट करना इसलिए होता है क्योंकि ये जो ओवरलॉक का धागा होता है इसमें रेशे बहुत होते हैं, तो कैंची से कट करके थोड़ा जल्दी डल जाता है। तो ये देखिए आपका ये डल चुका। तो ये आप इतना छोड़ देंगे इसको यहीं पे। ये तो था आपका इधर वाला धागा, अब हम आपका डालेंगे इधर वाला धागा। तो इसके लिए ये देखिए मैं इसको ले लेता हूँ, और इसको लेने के बाद यहाँ से देखिए आप इसे ऐसे डालेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कई लोग ये भी पूछेंगे मेरे से कि ये कौन आपने कहाँ से ली। तो दोस्तों ये कौन मैंने ली है, सीलमपुर शांति मोहल्ला, वहाँ पे दोस्तों तोल में आती है ये, मुझे दुकान का एड्रेस नहीं मालूम, ये तोल में आती है। और ये छोटी वाली जो है ये मैंने यहीं से ख़रीदी है अपनी दुकान, यहाँ पे दुकान के पास है जहाँ से मैं सामान ख़रीदता हूँ अपना मटेरियल का। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर ये देखिए जब आप ऊपर डालेंगे तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर एक छेद है इस साइड में, आपको इस छेद में इस तरीके से धागा डालना है। यहाँ पे आपको धागा डालना है, फिर इस धागे को आप ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए आपका डल चुका धागा। अब इस धागे को आप इस तरीके से लेके ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से आपको ऐसे लेके आना है, क्योंकि वहाँ से डालने के बाद नीचे से आपको निकालना है। ये देखिए नीचे एक बोर्ड लगा है हिस्सा, यहाँ से के बाद आप इसे ऊपर से डालेंगे। तो ये डालने के बाद आप इसे कटिंग कर लें। फिर यहाँ पे देखिए ये गैपिंग है, ध्यान से देखेंगे ये इतनी लंबी गैपिंग है एक, इसमें आप धागे को इस तरीके से डालें और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं आराम आराम से। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से आपका धागा निकल के आ गया। तो चिमटी की मदद से हम इसे पकड़ेंगे और इसे खींचेंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठ जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये धागे को इस तरीके से लेना है थोड़ा लंबा, और अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये धागा थोड़ा दिक्कत देता है लोगों को। आपको मैं दिखाऊंगा ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ अपनी चिमटी, ये जो हिस्सा जो आपको मैं टच करके दिखा रहा हूँ, इसमें से हमें धागा लेना है और यहाँ से हमारा धागा जाएगा। तो कैसे जाएगा, चिमटी की मदद से आप पहले धागे को ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, ये देखिए दोस्तों अंदर कर दिया आपने धागा। उसके बाद आप इसे यहाँ से खींच लेंगे, तो ये धागा तो आपका यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ गया, लेकिन आपको उसमें से धागा लेके आना है ये वाले हिस्से में से। तो आप इसको धागे को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे करके अब इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। तो ये दोस्तों ये देखिए आपका धागा बहुत आसानी से पड़ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे नीचे करेंगे इस तरीके से, और ये जो जैसे आपका यहाँ पर था इसी साइड आपका भी है, ठीक है, दो छेद हैं एक और ये दो। तो आप क्या करेंगे, आप इसे हल्का कट करके पहले आप यहाँ पर इसे डालेंगे, फिर इसे चिमटी की मदद से पकड़ लेंगे, और फिर चिमटी की मदद से दोस्तों आपको ऊपर वाला धागा डालना है। तो ये देखिए थोड़ी दिक्कत होती है इस धागे में, तो आप इस चिमटी की मदद से पकड़ के आप इसे ऊपर वाले हिस्से में डालेंगे। डालने के बाद आप खींचेंगे, तो ये दोस्तों ये वाला भी धागा आपका डल चुका, इसे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों ये आपके दो धागे डल चुके हैं, इसको हम कर देते हैं बंद। और दोस्तों हमारे मेरी ओवरलॉक का ये वाला हिस्सा जो है ख़राब हो चुका है, वरना ये इस तरीके से रहता है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे गिरा रहेगा। साथ ही दोस्तों आपका ये वाला आता है धागा जो सुई में से लेंगे हम, इसको आप इस तरीके से डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाला जो आपका हिस्सा है देखिए ऊपर, आप इसे यहाँ से डालें, फिर इसमें से लेके आना है आपको, इसमें लाने के बाद आप इसमें से लें। जब ये आपका डल जाएगा तो दोस्तों कई लोग इसमें भी डालते हैं, लेकिन मैंने अपनी शुरू में मशीन से जो है इसमें से डाला है धागा, कई लोग इसमें से भी डालते हैं पहले,
लेकिन मैंने इसमें से डाले हैं, तो मशीन की जो आदत हो जाती है तो उसी हिसाब से मशीन अच्छी चलती है। तो मैं इसमें ही लूँगा डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इसे ऐसे लेंगे तो ये आपका धागा यहाँ पे डल गया। उसके बाद दोस्तों आप ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे लेंगे एक धागा, ये भी आपका डल चुका। यहाँ से फिर आप इसको ऐसे लेके इसको इस तरीके से करेंगे, फाइनल आपके सुई वाला धागा। तो यहाँ पर हम सुई में धागा डालते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम सुई में धागा डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, धागा डालने के बाद इसे हम अब चलाएंगे। आपको थोड़ा हाथ इस तरीके से चलाना है। ये देखिए, जो ये पहिया होता है हमारा, इंटरलॉक का ऐसे जाता है, सिलाई का ऐसे आता है, लेकिन इसका ऐसे जाता है। तो ऐसे करके अब इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बनने लगा हमारा जो ओवरलॉक का धागा होता है, तीन तीन। और इसे हम थोड़ा भी निकालेंगे, तो निकालने के लिए हमें कपड़ा लेना होगा और इस पर हम इस तरीके से जब ओवरलॉक चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी ओवरलॉक का धागा यहाँ डल चुका है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये आपका ऐसे ही रहेगा और जो तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से आप डालेंगे तो ये आपका धागा इस तरीके से आएगा। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि धागा कैसे डलेगा। अब दूसरा यहाँ से होती है दोस्तों, एक ये और एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये तीन हिस्से होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से धागे को एडजस्ट करा जाता है, जैसे हम सिलाई मशीन में करते हैं कि ऊपर दाना आ रहा है या नीचे दाना आ रहा है तो ऊपर से हम घुमा के करते हैं। इसमें तीन हिस्से होते हैं। तो दोस्तों क्या करना होता है आपको, ये वाले हिस्से मेरे अभी जाम हैं क्योंकि ओवरलॉक मेरी ऐसे ही सही जा रही है, तो मैं छेड़ता नहीं हूँ और बिल्कुल भी नहीं छेड़ने की वजह से ओवरलॉक आपकी एक बार सेट हो जाती है तो ऐसे ही चलती रहती है। करीब इसको 3 साल होने जा रहे हैं, 3-4 साल ये ओवरलॉक ऐसे ही है। मैंने अभी तक इसका धागा टाइट या लूज़ नहीं करा क्योंकि इसके अंदर एक तो हम कच्ची कोन भी लगाते हैं, पक्की कोन नहीं लगती। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बताया धागा डालने का तरीका। अब इसमें ऑयल कहाँ कहाँ पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा है हमारा, आप इसमें ऑयल डालें, जो आपका ये वाला हिस्सा होगा इसमें आप ऑयल को इस तरीके से डालेंगे। तो ये ऑयल डालने का आप इसे बंद कर दें। दूसरा आपका दोस्तों इधर ऑयल पड़ेगा, ये वाला हिस्सा है जो, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पे पड़ेगा, फिर दोस्तों ये वाला हिस्सा है आपका, यहाँ पे पड़ेगा ऑयल, जिससे कि वो अंदर तक जो भी जो पुर्जे होते हैं उसमें अच्छी तरह ऑयल चले जाएगा। फिर आप अच्छी तरह देख लें और इसे जब आप सफाई करके मंथ में, ठीक है, एक बार सफाई करके और हफ्ते में एक बार सफाई करके जब आप इसमें ऑयल डाल के आप चलाएंगे अगले दिन, तो आप देखेंगे बड़ी ही फिनिशिंग आएगी ओवरलॉक में भी और हल्की भी चलेगी। तो चलिए दोस्तों, ये हमने ऑयल डाल दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरलॉक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमने कपड़े को डबल करा और इसे ओवरलॉक करते हैं। तो ओवरलॉक करने के लिए ये देखिए, आपको इस तरीके से लेके जाना होता है कपड़ा एक बराबर, ठीक है। आप अगर इतना कर देंगे तो मोटा हो जाएगा, आप एक बराबर जितना आपको ओवरलॉक करना है इतना ही लें और करेंगे ओवरलॉक। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी ओवरलॉक हो चुकी है, ये इस तरीके से। ये ओवरलॉक काम आती है जो हमारे धागे निकलते हैं, जब हम ओवरलॉक कर लेंगे तो ये हमारे धागे निकलने बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मशीन साफ़ करके धागे डालेंगे और धागे डालने का कहाँ पे आपको ऑयल डालना है। दोस्तों क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ी दिक्कत देगी शुरुआत में, लेकिन एक दो बार के बाद जब आपकी आदत बनेगी तो बिल्कुल निडर आप धागा डाल सकते हैं, भूलेंगे भी नहीं, याद भी रहेगा और आप फिनिशिंग से ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये ओवरलॉक की मशीन ख़रीदनी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरलॉक भी कहते हैं इसे, ओवरलॉक भी कहते हैं। तो ये ओवरलॉक की मशीन आपको ख़रीदनी है और किसी को नहीं मिल पाती सर्च करने के बाद, तो ये दोस्तों अमेजोन पे अवेलेबल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अगर किसी को बाय करनी हो तो ये मशीन को बाय कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।